एक्सीडेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स we were discussing, and now it is the second aspect of accidents and their effects. Parts of the body injured on the job. यहाँ पे एक बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है डी एर स्टूडेंट्स वो ये है कि जब भी कोई एक्सीडेंट रूनुमा होगा किसी वर्क प्लेस के ऊपर तो उसके इफेक्ट्स होंगे आपकी बॉडी के ऊपर अब क्वेश्चन ये है कि बॉडी पे इफेक्ट होगा तो बॉडी के अंदर कौन से पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट होगा उसको हम लोग अभी डिस्कस करने लगे हैं टिपिकली द मोस्ट फ्रीक्वेंट इंजरीज टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर एज फॉलो फ्रॉम मोस्ट फ्रीक्वेंट टू लीस्ट फ्रीक्वेंट नंबर वन बैक इंजरीज नंबर टू लेग्स एंड फिंगर्स नंबर थ्री आर्म्स एंड मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नंबर फोर ट्रंक नंबर फाइव हैंड्स मे बी इंजरी ऑन योर हैंड्स सिक्स

इस किस्म की इंजरी से बचा जा सके। विच प्रोस्पेक्टिव एंड केमिकल बर्न इंजरीज आपको मालूम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो केमिकल बनाने में काम कर रही हैं। इतिहाद केमिकल लिमिटेड इन पाकिस्तान आईसीआई आईसीएम ये मुख्तलिफ आर्गनाइजेशन हैं जो मुख्तलिफ नामों से केमिकल के अंदर डीलिंग कर रही हैं अब क्वेश्चन ये है कि वो जो केमिकल में काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर देखा यह गया है कि सम टाइम ये केमिकल भी इंसानी सेहत के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड्स अकर इन मैनुफेक्चरिंग सेक्टर ज़्यादातर जब मैनुफेक्चरिंग सेक्टर की बात की जाती है तो केमिकल वहाँ यूज़ होते हैं केमिकल मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है अब यहाँ पर यह देखा गया है अदर हाई इंसीडेंस इंडस्ट्रीज आर सर्विस ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जहाँ पर भी इन केमिकल्स की कन्ज्पन यूज़ की जा रही है और समाइम केमिकल्स के बग़ैर भी ऑर्गेनाइजेशन इंजनीज तो इम्प्लाईज़ का बैस बन रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं केमिकल के अंदर तो किसी केमिकल की वजह से इंजरी हो सकती है लेकिन बाद उपाज कोई इंप्लाई किसी ऑर्गेनाइजेशन से गिर जाता है या किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट रून में हो जाता है उस वजह से भी ये इंजरीज पैदा हो सकती हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है क्या इंजरीज सिर्फ केमिकल की वजह से है नो आंसर इज नो इट मे बी ड्यू टू फॉल ऑफ एनी पर्सन सम स्पेसिफिक प्लेस टू द डाउन वर्ल्ड

एसिड्स की हैं इनसे इंसानी सेहत नुकसान का बायस बनती हैं चीज़ें बादज बात अगर एसिड्स आपकी स्किन पे गिर जाता है तो उस वजह से वहाँ पे बर्न आउट हो सकता है या आपकी स्किन के अंदर रैशेज डेवलप हो सकते हैं या आपकी स्किन वहाँ से जल सकती है इसी को हम लोग केमिकल बर्न इंजरीज भी बोलते हैं इसके अलावा ये भी देखा गया है कि आलमोस्ट फोर्टी सिक्स परसेंट ऑफ आल केमिकल बर्न इंजरीज अकड़ वर्कर्स क्लीनिंग इक्विपमेंट टूल्स एंड वहीकल्स ज़्यादातर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इम्प्लॉज इक्विपमेंट टूल्स वहीकल्स को क्लीन कर रहे होते हैं मतलब नीट एंड क्लीन कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजरीज के चांसेस होते हैं और ये परसेंटेज जो दी गई है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है इसके मुताबिक 46 सिक्स परसेंट इंजरीज वहाँ डवेल्प हो जाती हैं या वहाँ पे पेश आती हैं जहां पे इंप्लाइज क्लीनिंग का काम कर रहे हैं हीट बर्न इंजरीज हीट इट इज जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये हीट की वजह से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से जैसा कि फर्नेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है फायर जल रही होती है वहाँ पे भी इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हीट बर्न इंजरीज प्रेजेंट अ स्पेशल चैलेंज टू सेफ्टी एंड द मॉडर्न वर्क प्लेस इस वक्त जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर ये देखा गया है कि मॉडर्न वर्क ऑर्गेनाइजेश के अंदर एम्प्लॉज के प्रोटेक्टिव मैकानिजम बहुत ज्यादा एस ओ पी के साथ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वजह यह है कि एम्प्लॉज की हेल्थ हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है बाकी जो एसेट्स हैं फिक्स एसेट्स हैं वो सेकेंड इंपॉर्टेंट है नो वी मूव टूवर्ड्स पार्ट आलमोस्ट फोर्टी परसेंट Of all such injuries occur इन in manufacturing एवरी ईयर ये कौन सी इंजरीज है ये जेर में रखिएगा ये हीट बर्न इंजरीज है हीट बर्न इंजरीज टोटल 100 परसेंट में से 40 परसेंट कहाँ पे पेश आ रही हैं ये इंजरीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा से सेक्टर बेटा होता है जहाँ पे चीज़ों की प्रोडक्शन होती है रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स में गुड्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसे मैनुफेक्चरिंग सेक्टर कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ प्लास्टिक प्लास्टिक से हमने कोई प्रोडक्ट्स डिवेल्प करनी है या कोई प्लास्टिक का यूटेंसिल डिवेल्प करना है बर्तन बनाना है वो जो प्लास्टिक के अंदर देखा गया है कि जो प्लास्टिक का छोटा सा बरीक दाना है उसकी जब कन्वर्जन होगी प्लास्टिक के बैग के लिए या प्लास्टिक के यूटेंसिल्स के लिए तो इस अमल को हम लोग बोलते हैं मैनुफैक्चरिंग फोर्टी परसेंट इस तरह की जो हीट इंजरीज हैं वो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में इस वक्त हो रही हैं द मोस्ट फ्रीकुंट काज आर फ्लेम दिस इनक्ल्यूड स्मोक इनहेलेशन इंजरीज सम वन इज अ स्मोकर द अदर पर्सन हु डजेंट स्मोक बट ही और शी मे बी अ पैसिव स्मोकर एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है दूसरा स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन जब एक स्मोकिंग कर रहा है तो उसका जो स्मोक है वो दूसरा बंदा इनहेल कर रहा है इस वजह से उसके लंग्स के ऊपर पैंक्रियाज के ऊपर बॉडी के मुख्तु आस्पेक्ट्स के ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट्स वो स्लाइड्स के एंड में मैंने मैंशन किया आपके लिए वो ये है कि मोल्टन मेटल पेट्रोलियम एस्फॉल्ट स्ट्रीम एंड वाटर ये मुख्तलफ इस वक्त जिनके मैंने चीज़ों के नाम आपके साथ लिए हैं इनकी वजह से भी मुख्तलि किस्म की फ्लेम काजेज का फ्लेम मुख्तलि काजेज का बायस बन सकती हैं उसकी जो अहम आस्पेक्ट है यहाँ पे वो ये है कि द मोस्ट कामन एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद हीट इंजरीस आर वेल्डिंग कटिंग मोल्डिंग टार्च एंड हैंडिंग टॉर्च आर एसफॉल्ट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर पसंटाल देखा जाए तो वेल्डिंग और कटिंग का है वेल्डिंग कटिंग के लिए हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और उस टेम्परेचर की मदद से हम इनको कट करते हैं आयरन को जब उसको आप कट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सी हीट डिवेलप होती है और उस हीट की वजह से हीट इंजरीज का बायस बन सकती है और यही वजह है कि जब आप लोग वेल्डिंग कटिंग मोल्डिंग का काम करें तो वहाँ पे डेफिनेटली जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं उसका इस्तेमाल लाजमी करें आप हीट बर्न इंजरीज कंट्रीब्यूट टू हीट बर्न इंजरीज अब यह अगला एस्पेक्ट है इसका कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हीट बर्न इंजरीज में कंट्रीब्यूट करते हैं नंबर वन इम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स हैज नो ही हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिगार्डिंग हीट है वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हीट के रिलेटेड एस ओ पीज नहीं एम्प्लॉय इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो वहाँ पे हीट बर्न इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं इम्प्लॉयर फेल टू एनफोर्स सेफ्टी जैसा कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जहाँ पे इम्प्लॉयर सेफ्टी रिलेटेड मैकेनिज्म डेवलप करने में प्रोसीजर डेवलप करने में प्रैक्टिस अच्छी डेवलप करने में नाकाम हो जाए वहाँ पे हीट बर्न इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं इम्प्लाईज फेल टू यूज आर इम यूज पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का मानी है कि आप अपनी हेल्थ को सेफ करने के लिए जो भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इक्विपमेंट के रिलेटेड हैं उनको वियर करें मसलन अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई हैवी मशीनरी चल रही है या कंटेनर से कुछ चीजें उठा रहे हैं या कुछ लोड अनलोडिंग का काम हो रहा है आप उनको सामने से गाइड कर रहे हैं तो वहां पे इस चीज़ को देखा गया है हाई विजिबल जैकेट्स पहनाई जाती हैं एम्प्लॉज को क्यों पहनाई जाती हैं एक इसकी वजह डी स्टूडेंट्स ये है कि वो जो हाई विजिबल जैकेट्स हैं उनकी मदद से वो एक अवे फासले से आने वाला शख्स जज कर लेगा कि देर कार्गो दिस पर्टिकुलर वैन और वहीकल कोई शख्स है जो फासले पे खड़ा कैन गो फॉर समर्ट ऑफ हॉर्न आप उसको हार्न दे सकते हैं बता सकते हैं कि देर इज डेंजर इन फ्रंट ऑफ यू तो ये सारी चीजें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंजरीज से बचने के लिए यूज की जाती हैं हिट बर्न इंजरीज का जो लास्ट आस्पेक्ट है वह है इंप्लाइज हैव इन एडिकुट आर वोन पर्सनल प्रोटेक्ट इसके दो एस्पेक्ट हैं इनएडेट गैर मुनासिब नामुनासिब कुछ इंप्लाइज ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इक्विपमेंट चीजें पहनी तो हैं लेकिन वो इनएडिकुएट है मुनासिब नहीं है कम्प्लीट नहीं है एकट नहीं है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इक्विपमेंट तो जहां से वो रॉन्ग है मैं एग्जाम्पल देता हूँ करें डी स्टूडेंट्स आप ये जो वायर होती हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है जब कोई इलेक्ट्रिशियन उनको रिपेयर करेगा तो देखा गया है कि वो शख्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या ग्लव्स पहले पहनेगा वाई ही या शी विल ग्लव्स टू अगर वो ग्लव्स कहीं से फटे हुए हैं तो चांसेस है इलेक्ट्रिसिटी शॉक उसको लग सकता है सिमिलर स्लाइड का ये एस्पेक्ट इस चीज को बयान कर रहा है एम्प्लाइज हैव इन एडिकुएट आर वोन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट employees work in a limited space it is common practice in the organizations if the employees who are working in an organization and there is a limited space so how they will perform their duties in a better way it is very difficult for them to perform their duties in a limited space so there must be proper space for them where they can move they can walk and easily perform their duty employees are careless sometimes accidents incurred due to careless attitude for example if we are crossing the road we didn't see on our right side or left side what will happen if you will not see on the right and left side it means that you have careless attitude if your attitude is careless what will happen chances of accidents are greater as compared to the other person if someone will cross the road while looking toward right and left with a careless with a careful attitude then chances of accident will be minimized implies have poorly maintained tools and equipment implies has the equipment but those equipments are not up to mark those equipments are not up to standard then what will happen chances of injuries are there some repetitive strains soft टिश्यू इंजरीज रेपिटेटिव कहते हैं किसी चीज़ का अगेन एंड अगेन होना अगर एक प्रॉब्लम होती है और आप उसको रिकवर नहीं करते दोबारा वो प्रैक्टिस कहीं पे आप करेंगे तो चांसेस है कि वो चीज़ अगेन एंड अगेन होगी इसको डीजिए स्टूडेंट्स रेपिटेटिव कहते हैं फॉर एग्जाम्पल रेपिटेटिव सट्रेन इंजरीज अ ब्रॉड एंड जेनेरिक टर्म दैट एंड ऑफ इंजरीज रिजल्टिंग फ्राम कामुलेटिव इंजरीज बहुत सेट अपनी बयान की रेपिटेट स्टेन इंजरीज इसके होने के चांसिस हैं कल्पल टनल सिंड्रोम इज द मोस्ट वाइडली नोन आर एस आई अभी प्रीवियसाइड में मैंने बोला आपको आर एस आई मीन रेप द ट्रेन इंजरीज अब ये जो रेपटेटिव स्ट्रेट इंजरीज है इसमें ये देखा गया है कि देर आर सम सेवरल अदर रेपटेटिव ट्रेन इंजरीज टू द बॉडीज सॉफ्ट इश्यूज इट मे बी इन योर आर्म इट मे बी इन योर लैग, इट मे बी इन योर बैक साइड ऑफ इट मे बी इन योर मसल दैट मे बी एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी अगर आप उसको प्रॉपर वे में काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे जिसके लिए आपको बताया गया है तो चांसेस है कि आपको ये इंजरीज का सामना करना पड़ सकता है अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारी इसके अंदर लास्ट स्लाइड है इसमें पिक्टोरियल इफेक्ट से बयान किया गया है कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्ट टिश्यू मसल इंजरीज हीट बर्न ईश्यूज़ या इस किस्म की इंजरीज डिवेल्प हो सकती हैं लेफ़्ट राइट साइड पे जो लोअर पार्ट है इसमें बैंडेज एक शख्स की है और ये बैंडेज क्यों यूज़ की गई है रीज़न इसकी ये है कि इसमें देखा गया है कि जो इम्प्लाइज़ है उसने प्रोटेक्टिव केयर तो पहने हुए हैं लेकिन जब उसने ड्यूटी परफॉर्म की तो केयरफुल वे में परफॉर्म नहीं की और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें अगर आप देखें तो तमाम इम्प्लाइज़ ने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं इससे ये बात साबित होती है कि आप लोग अगर प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट पहन लें तो एक्सीडेंट चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स और उनके इफेक्ट से बचा जा सकता है